Hi, we have the speaker from today's event, that was Progressive Steps, life coach Priyanka Madan. Hi Priyanka, how was your session today in terms of response from the audience? Hi Ekta, response was very good and पूरे सेशन के बाद पर्सनली एक एक ने आकर के कॉम्प्लीमेंट जो किया ना दैट बूस्टेड माय मोरल सो मच. ट्रू. आपके प्रेजेंटेशन का टॉपिक आज था ऑरा. इट्स अ वेरी वाइड टर्म. तो जब हम ऑरा की बात करते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स दैट एज अ लाइफ कोच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक अस. देखिए ऑरा इज अ वेरी वाइड टर्म बट बेसिकली क्या लाइफ सिंपल है ना तो ऑरा इतने से में भी समझ आ जाता है कि जो हमारा मूड है जिस नेचर में जिस वाइब्रेशन में हम रहते हैं जिस मूड में जिस इमोशन में हम रहते हैं वही ऑरा बन जाता है. सो और वैसे ही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं और हम यूजली क्या कहते हैं उसने मुझे गलत कहा उसने मुझे गलत कहा हम और ब्लेम कंप्लेन में आ जाते हैं. वेर एज वो सब हमारे ऑरिक फील्ड की वजह से ही होता है. अगर ऑरिक फील्ड हमारी डायनामिक है पॉजिटिव है तो हम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे. अगर हमारी और एक फील्ड ऐसी है कि माई लाइफ इज़ गुड वर्ल्ड इज़ हैप्पी तो वैसे ही पॉजिटिव लोग आएंगे. सो अपने ऑरा पे जब तक हम जीवित हैं ना मैं तो कहूँगी लास्ट डे तक जब तक हम ब्रीथ करते हैं हमें ऑरा पे काम करते रहना चाहिए फॉर लाइफ टू बी लाइक दिस. ऐसे तो सभी जी के चले जाएंगे ना हमें ऐसे जीना है. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कॉमन लोग पूछते रहते हैं कि लाइफ कोच की ज़रूरत क्या है हमें लाइफ कोच क्यों चाहिए इस पर कमेंट कीजिए. लाइफ कोच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों की जो लाइफ है ना वो एक पज़ल की तरह होती है. वैसे पज़ल हम लोगों ने खुद ही वो बनाई है और कई बार पज़ल की हम गलत फिटिंग कर देते हैं. सो हम एज एन ऑब्जर्वर ऑफ योर लाइफ वी कैन टेल यू कि ये पज़ल यहाँ होनी चाहिए. वी गिव यू द फ्रेमवर्क काम आपको ही करना पड़ता है एंड वी होल्ड योर हैंड फ्रॉम डे वन टिल योर ट्रांसफॉर्मेशन. और जिस जिस एरिया में आप स्टक फील करते हो उस एरिया तक हम आपका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं एंड वी गिव यू टूल्स एंड वे हाउ टू बी पॉजिटिव हाउ टू थिंक गुड हाउ टू यूज राइट वोकैबुलरी टू चेंज योर थॉट टू चेंज योर रियलिटी बेसिकली. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट. फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज इवेंट. आपने बोला इट इज़ अबाउट पॉजिटिविटी इट्स अबाउट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ. द मार्केट्स आर ओपनिंग द एनवायरमेंट इज ओपनिंग हाउएवर देयर इज अगेन अ थ्रेट ऑफ थिंग्स गोइंग बैक टू द व्हाट वी हैव फेस्ड इन द लास्ट टू इयर्स. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट. आई वुड जस्ट लाइक टू से फोकस ऑन व्हाट यू हैव नॉट ऑन व्हाट यू डोंट हैव. Secondly, focus on what you want, not on what you don't want. So instead of saying na ki hai mujhe coronavirus na aaye, simply keep on saying day and night, be grateful ki thank you, I'm safe from coronavirus, I'm safe, I'm at home. बस आप पॉजिटिव साइड के लिए मतलब जो आप चाहते हैं ना उस पर फोकस करिए क्योंकि जिस पे फोकस करेंगे एनर्जी वहीं जाएगी वो ग्रो करेगा. सो हम लोग कहते हैं हाई कोरोना ना हो तो फोकस वहाँ गया एनर्जी वहाँ गई और वो ग्रो हो गया और आप कोरोनाग्रस्त हो गए. वंडरफुल. वेरी राइटली शॉर्ट मैसेज दिया है कि जो आप चाहते हैं हो केवल वही बोलें जो आप चाहते हैं ना हो उसे ना बोलें उसे ना बोलें. वी विश ऑल द बेस्ट टू लाइफ कोच प्रियंका मदान एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इवेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेप्स. थैंक यू सो मच प्रियंका. थैंक यू. I have Dr. Karuna Pal Gupta with me who is a nature therapist and a garden consultant. Garden architect bhi kahun to that's a better definition. So Dr. Karuna, progressive steps is naam ka matlab kya hai? Progressive steps ka matlab hai that a state of well-being. It is all about ourselves, our growth in a positive way. So it is from being well टू वेल बींग. करेक्ट. आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही डिफरेंट है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे आसपास ही था लेकिन हमने इसे रियलाइज नहीं करा था. शायद लॉकडाउन या कोरोना या इस तरह की तकलीफ के बाद लोग ज़्यादा अवेयर हुए इसके बारे में. कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको लोगों से जब हम कहते हैं कि आप एक गार्डन आर्किटेक्ट हैं कंसल्टेंट हैं और दूसरा ये कि नेचर थेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. एक तो ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस ऑन नेचर जहाँ पे ना सिर्फ मैंने स्किल्स एंड द टेक्निक्स अबाउट डेवलपिंग अ गार्डन पे बात करी वहीं मैंने नेचर पे भी बात करी. और क्योंकि हम सभी ने देखा है कि पैंडमिक टाइम में हम सब आइसोलेटेड थे अपने अपने घरों में बंद थे तो हम सिर्फ नेचर के करीब जा सकते थे. सो पैंडमिक टाइम पे
नेचर के करीब जाना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत कारगर सिद्ध हुआ, और हमारी एंजाइटी, हमारे को जो कामनेस हमें आई, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हुआ, हमारी एंजाइटी कम हुई, बीइंग कनेक्टिंग विद नेचर। तो नेचर थेरेपी का क्या मतलब है, उसमें क्या करते हैं हम, क्या सीखते हैं? नेचर थेरेपी का मतलब ये होता है दैट स्पेंड सम मीनिंगफुल एंड माइंडफुल टाइम विद नेचर, कनेक्ट विद नेचर and love your nature. Right. We are also seeing paintings that you displayed today and we are standing in front of one of such painting. आपके painting के colors जो हैं वो बड़े fire या इस तरह के elements को highlight करते हैं, उसके ऊपर एक comment चाहूँगी. What is it that you always try to depict from your paintings? एक तो मेरी सारी paintings, पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत positive और बहुत dark and bright colors से होती हैं. Because I always feel कि जो एक bright paintings होती हैं, they always create a positive aura in the environment. और बहुत rustic colors use करती हूँ, और क्योंकि nature से प्यार करती हूँ तो जो मेरी इसके अंदर जो drawings होती हैं उनमें भी आप देखेंगे कि petals, leaves, trees वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ. हाँ, so that I want कि जहाँ भी ये paintings लगी हों उस पूरे atmosphere को ये enhance करे in a positive way. One final question, Dr. Gupta. In the coming times, the markets are opening, the environment is opening and people will step out of the house. लेकिन definitely nature तो चाहिए ही. बिल्कुल. तो nature से अपने busy schedules के साथ कैसे जुड़े रह पाएंगे लोग? ये तो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि हम बिजी होते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लें और अगर हम नेचर को प्रायोरिटी बना लें तो हम कितने भी बिजी क्यों ना हों, हम ज़रूर अपना कुछ समय नेचर को दे पाएंगे. एब्सोल्युटली राइट, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच इनपुट्स फ्रॉम सच एक्सपर्ट्स फॉर आर सिटी फरीदाबाद एंड बियॉन्ड. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, डॉक्टर गुप्ता, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रोग्रेसिव स्टेप्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गुप्ता ने बहुत ब्यूटीफुल कोट किया था, स्पेंड योर टाइम विद दोस हू लव यू अनकंडीशनली, not with those who love you when the conditions are right. Our finance program, welcome to IIM City of India. Aur is jagah ko hum hamesha kehte hain, it is the temple for entrepreneurs and the temple of entrepreneurship. So we are really happy here. It's been for so many years that our women entrepreneurs are doing leading so well. Sarlaji, Jaya, Priyanka, Hema is not here today. So a lot of women entrepreneurs organize programs and everything. And for your development, for development of others who are still shy of joining. And next time also involve men. Yeah. And कुछ लोग हमारे साथ बहुत time से जुड़े, but मैं बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ कि IIMSME का जो हमने क्रिएशन किया वो ऐसी बॉन्डिंग्स that we must invite more and more people are working, especially the women entrepreneurs, and I know 80% of the women sitting here who are doing dynamic work, because we're also the official media partners of Banega Search Faridabad. So I would request, and Rajiv ji ne bhi bola hai, that they must be a part of it. We can probably, as soon as I become a member, we can start we can create a series where every woman of this club gives her video bites on how she can contribute to the cleanliness or the garbage free city drive, and what else can she do in terms of the plantation and everything. That's all for today. Thank you so much.